बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। वहीं सरकारी आंकड़ों की माने तो राज्य में अभी तक कुल 283,229 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान 6 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से बांका में 2, गया, मधुबनी, नालंदा और पटना में 1-1 मरीज की मौत हुई है। राज्य में पिछले 48 घंटों की बात करें तो कोरोना वायरस संक्रमण के जो 3,756 नए मामले सामने आए हैं, उनमें प्रदेश की राजधानी पटना में सबसे अधिक 1,382 प्रकाश में आए हैं। वहीं भागलपुर में 302, गया में 290, मुजफ्फरपुर में 191, जहानाबाद में 165, बेगूसराय में 113, सिवान में 108, मुंगेर में 102, अरवल में 85, पूर्णिया में 79, सहरसा में 76, समस्तीपुर में 66, पूर्वी चंपारण में 52 मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं। पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत होने से लेकर अब तक बिहार में इससे संक्रमित होने वालों की संख्या 283,229 पहुंच गई है, जिनमें से 266,923 मरीज ठीक हुए हैं, जिनमें पिछले 24 घंटे के भीतर ठीक हुए 1,053 मरीज भी शामिल हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 99,023 नमूनों की जांच की गई, जबकि गत साल कोरोना महामारी की शुरुआत होने से लेकर अब तक प्रदेश में 2,45,69,965 नमूनों की जांच की गई है। बिहार में वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या 14,695 है और कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत 94.24 है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP बिहार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।